परिस्थितियां कभी जीवन में एक जैसी नहीं रहती। जीवन के इस भंवर में उतार चढ़ाव तो आते ही रहते हैं। आपकी सोच बताती है कि आप कठिन परिस्थितियों का कैसे सामना करते हैं, क्या आपके अंदर वो काबिलियत है जो हर परिस्थिति से आपको बाहर निकाल दे। कहानी एक पुराने समय की है, जब एक व्यापारी ने किसी धनी साहूकार से पैसा उधार ब्याज पर लिया था, लेकिन व्यापार में नुकसान हो जाने की वजह से वह साहूकार का पैसा लौटा नहीं पा रहा था। व्यापारी की एक बेहद सुंदर बेटी थी। साहूकार बड़ा कुटिल था। उसने सोचा कि व्यापारी पैसा तो वापस कर नहीं पा रहा है, तो क्यों ना उसकी परिस्थिति का फायदा उठाया जाए। उसने व्यापारी को सुझाव दिया कि वह अगर अपनी बेटी की शादी उस साहूकार से कर देता है तो व्यापारी का सारा कर्जा माफ हो जाएगा। व्यापारी बेचारा मरता क्या ना करता। उसने अपनी बेटी को सारी बात बताई। समस्या बड़ी थी, साहूकार अधेड़ उम्र का कुरूप व्यक्ति था। अब उस बेटी के आगे दो ही रास्ते थे। पहला, या तो साहूकार से विवाह करने से इनकार कर दे और अपने पिता को कर्ज से दबा रहने दे, और दूसरा, साहूकार से खुशी से विवाह कर ले ताकि उसका पिता स्वतंत्रता से रह सके। मित्रों, अक्सर हमारे जीवन में भी ऐसे ही मोड़ आते हैं जब हमें यकीन होने लगता है कि अब रास्ता नहीं बचा है और अब हम बुरी तरह से फंस चुके हैं। अखबारों में सुनने में आता है कि लोग आत्महत्या तक कर लेते हैं, लेकिन अपने दिमाग को पानी की तरह रखिए, एकदम निर्मल, शांत और चलायमान। पानी को देखा है, पानी हर जगह से अपना रास्ता निकाल ही लेता है, ठीक वैसे ही बन जाओ। चलिए दोस्तों, आगे देखते हैं कि लड़की ने क्या फैसला लिया। लड़की ने साहूकार के आगे एक शर्त रखी कि साहूकार एक थैला लाए और उसमें दो गोलियां डाले, एक सफ़ेद रंग की और दूसरे काले रंग की। इसके बाद लड़की उस थैले से आंख बंद करके कोई एक गोली निकालेगी। गोली अगर काली निकली तो लड़की साहूकार से विवाह कर लेगी और उसके पिता का कर्ज माफ़ कर दिया जाएगा। साथ ही अगर गोली सफ़ेद निकली तो उसके पिता का कर्ज माफ़ किया जाएगा, लेकिन लड़की साहूकार से विवाह नहीं करेगी। साहूकार तुरंत मान गया और जल्द ही एक थैला लेकर आ गया। अब वह जब थैले में गोलियां डाल रहा था तो लड़की ने देखा कि साहूकार ने चालाकी से दोनों गोली काली ही डाल दी है। अब लड़की परेशान हो गई और अब वह करे तो क्या करे। साहूकार का भांडा फोड़ भी दे तो वह दूसरी किसी चाल में उसको ज़रूर फंसा देगा। लड़की कुछ सोचकर आगे बढ़ी ही थी कि थैले में से उसने गोली जैसे ही निकाली हाथ से छिटक गया और छिटकने की वजह से वह नाली में जाकर गिरा। लड़की बोली, माफ़ करना, गोली मेरे हाथ से छिटक गई, लेकिन चिंता की कोई बात नहीं, थैले में अभी दूसरी गोली तो होगी ही, उसे देख लेते हैं। अगर गोली काली निकली तो मैंने सफ़ेद गोली उठाई होगी और अगर थैले में गोली सफ़ेद निकली तो मैंने काली गोली उठाई होगी। व्यापारी ने थैले में हाथ डाला तो देखा काली गोली निकली। व्यापारी बोला, आह बेटी, थैले में काली गोली बची है, इसका मतलब तुमने सफ़ेद गोली चुनी थी। साहूकार बेचारा बोलता भी क्या, अगर बोलता तो चोरी पकड़ी जाती। इस प्रकार पिता का कर्ज भी माफ़ हो गया और बेटी ने अपनी रक्षा भी कर ली। तो मित्रों, अगर हमारे देश के स्वतंत्रता सेनानी भी अगर सोच लेते कि हम शक्तिशाली अंग्रेजों से कभी जीत नहीं पाएंगे तो शायद हमारा यह देश कभी आज़ाद ही नहीं हो पाता। जब तक आप समस्याओं के समाधान के बारे में नहीं सोचेंगे तब तक आप समस्याओं में ही उलझे रहेंगे। अपने विचारों को खुलने दें, थोड़ा हटकर सोचें, या सोचें कि हर समस्या का हल है तो मेरी समस्या का भी हल कोई ना कोई ज़रूर होगा। जब तक आप ऐसा सोचने लगेंगे तो यकीन मानिए आपको समस्याओं का हल भी मिलना शुरू हो जाएगा।